और अब बड़ी जानकारी रायपुर से। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे राज्योत्सव की अध्यक्षता। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे सांस्कृतिक लहर गंगा की टीम देगी प्रस्तुति। लोक धुन, बेंजो, शहनाई और बांसुरी से गूंजेगा राज्योत्सव स्थल। रात 8:30 बजे तक अलग अलग टीम प्रस्तुतियां देंगी। तो देखिए, शाम 6 बजे द मूनलाइट रागा की टीम प्रस्तुति देगी। और इसके बाद अगर बात हम 7:30 बजे की करें तो कलाकार राजेश अवस्थी की टीम प्रस्तुति देगी। रात 8 बजे छत्तीसगढ़ की नन्ही लोक गायिका आरू साहू अपनी प्रस्तुति पेश करेंगी। रात 8:30 बजे बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन अपनी प्रस्तुति पेश करेगी। तो आज उस कार्यक्रम का, यानी कि राज्योत्सव का दूसरा दिन है और आज के दिन भिन्न भिन्न विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम है देखे जाएंगे। तमाम जो सिंगर्स है, गायक है, नृतक है, वो अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। तो राज्योत्सव छत्तीसगढ़ मना रहा है और देखिए किस तरह के रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का दूसरा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट जानकारी मिल रही है, आज के दिन क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस को लेकर सरकार ने भव्य तैयारियां की हुई हैं। हम देखें, अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है शुभारंभ सत्र में शामिल हुए थे और उन्होंने इस पूरे भव्य आयोजन का आगाज किया है, उसका शुभारंभ किया है। इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर पार्श्व गायक की अगर बात करें तो शांतनु मुखर्जी जो है वो प्रस्तुति देते नजर आए थे और देर रात तक उनकी प्रस्तुति के दौरान छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो झूमते गाते नजर आए थे। दूसरे दिन भी कुछ विशेष तैयारियां ऐसी प्रकार की गई हैं, कई कलाकार जो है वो प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। राज्योत्सव में जो मेले की शुरुआत है वो भी कल से हो चुकी है, तो शाम के 5 बजे के पहले यानी सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक मेले का आनंद जो है वो लोग ले रहे हैं। बड़ी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं इस मेले में घूमने के लिए और बहुत सारी चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो शुरू होगा और आज के मुख्य अतिथि के तौर पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जो है वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। पूरे शेड्यूल की अगर बात करें तो पूरे शेड्यूल के हिसाब से जो है शाम को 5 बजे इस पूरे आयोजन की शुरुआत होगी, जिसमें संस्कृति लहर गंगा की टीम जो है वो प्रस्तुति देते हुए नजर आएगी। करीब 5:30 बजे की बात करें तो लोक धुन, बेंजो और शहनाई और बांसुरी से राज्योत्सव में जो है वो धुनें गूंजती हुई नजर आएंगी। शाम को 6 बजे द मूनलाइट रागा की टीम जो है वो प्रस्तुति देगी और शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अलग अलग कार्यक्रम जो है वो भी रखे गए हैं। 7:30 बजे के बाद छत्तीसगढ़ के कलाकार जो है राजेश अवस्थी वो अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे और 8 बजे छत्तीसगढ़ की मशहूर और नन्ही कलाकार आरू साहू जो है वो छत्तीसगढ़ी और अन्य गानों की प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। शाम को 8:30 बजे की अगर बात करें तो बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन अपनी प्रस्तुति देते नजर आएंगे। नीति मोहन की जो प्रस्तुति होगी वो आखिरी प्रस्तुति होगी आज के कार्यक्रम की और उसके बाद राज्योत्सव के मंचीय जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा, लेकिन बाकी मेला चलता रहेगा। और उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल जो तीसरा और आखिरी दिन रहेगा उस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अलग अलग विभाग प्रदेश में अलग अलग बेहतर काम करने वाले और समाज हित में काम करने वाले जो लोग हैं उनको अलंकृत करेगी, उनको पुरस्कार वितरित करेगी। और अलंकरण का दिन भी हमें खास माना जा रहा है क्योंकि आज अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां जो है वो होने वाली है और रात 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे जिसका समा बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश।